नमस्कार दोस्तों, अदारा ICS के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम UPPCS के प्री एग्जाम 2023 में साइंस के पोर्शन से आए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुल 10 प्रश्न इस पोर्शन से आए हैं। एनवायरनमेंट का पोर्शन इस बार बढ़ाया गया है थोड़ा, तो 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं, विद्युत जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं या नवीकरणीय हैं। राइट आंसर होगा डी, नवीकरणीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। यहाँ बीमारियाँ दी गई हैं, किस कारण होती हैं वो आपको दिया गया है। पेप्टिक व्रण, विषाणु, डेंगू प्रोटोजोआ, फील पाँव, कृमि, मलेरिया जीवाणु। राइट आंसर है सी, पेप्टिक व्रण जीवाणु, डेंगू विषाणु, फील पाँव कृमि और मलेरिया प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है किसके, जल के, ऑक्सीजन के, अमीनो एसिड के या भोजन के। राइट आंसर होगा ए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, एड्रेनलिन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन या एल्डोस्टेरोन। राइट आंसर होगा सी, इंसुलिन। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स या घटक होते हैं, 4, 2, 1 या 3। राइट आंसर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, आर्गन, क्रिप्टन, एक्टिनियम या राडोन। राइट आंसर होगा सी, एक्टिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, लाइव एलिवेटेड वायरल वेक्टर, टॉक्सवाइड या mRNA। राइट आंसर होगा वो होगा सी, टॉक्सवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, निक्टेंथिस, नीलुम्बो, निकोटियाना या नेपेथिन्स। राइट आंसर होगा डी, नेपेथिन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, सिनोवैक्स, नोवावैक्स, मॉडर्ना या स्पुटनिक। राइट आंसर होगा सी, मॉडर्ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया। राइट आंसर होगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो परंपरागत क्वेश्चंस होते हैं वो इस पेपर में नहीं पूछे गए हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात।